अरे सो गया क्या? अरे दीदी अभी कहाँ सोएंगे? दीदी फिर क्या हुआ कहानी में? कल बताएंगे, अभी सो जाओ। नहीं नहीं पहले बताओ। अच्छा कहाँ थे हम? मेमनी मेमना गए शेर के पास। फिर मेमनी ने राजा शेर से जाकर कहा कि जंगल में एक दूसरा शेर आ गया है। अच्छा शेर को सुनकर बहुत गुस्सा आया, वो मेमने को लेकर कुएं पर जा पहुंचा और अपनी ही परछाई देखकर दूसरा शेर समझकर कुएं में गिर गया। अच्छा जंगल के सारे जानवर शेर से छुटकारा पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मेमने को अपने कंधों पर उठा लिया। अच्छा बताओ इससे तुमको क्या सीख मिलती है? इससे ये समझता हूँ कि शेर कुएं में कूद जाता है। शेर कुएं में कूद जाता है, मेमना नहीं कूद सकता? कूद सकता है। कूद सकता है? अरे दीदी सीख ना पूछा करो। अच्छा इससे ये सीख मिलती है कि एक छोटा सा मेमना अकलमंदी और बहादुरी से काम करे तो बड़े से बड़े शेर को हरा सकता है। समझे सुंदर साहब?
को खुशहाल बनाने की कोशिश हर ओर हो रही है। कृषि का क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। जिस खेती पर आज से अधिक जनसंख्या निर्भर हो, वहाँ बदलाव और प्रयोग समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। सुनो, थोड़ा जल्दी आना। इसका नौकरी का भूत उतरा नहीं है। सुमन से बात चलाई है लगता है। अरे चाय का क्या हुआ? ए सूरज, अपना शर्ट ठीक करो। आप तो घर पर ध्यान देना मत कभी। दीदी, दो तीन दिन से कहानी नहीं सुना रही हूँ। कल भी नहीं सुनी थी, आज सुनो। दीपक, आओ यार, गांव बाड़ वाड़ लेके आओगे क्या? आ गए। सी बैठ 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 जल्दी बैठ जल्दी बैठ। अरे यार, पहले जाएगी वो। फिर से आ गई क्या? बैठ 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 बैठ। ये देखो, गिर 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 गिर। क्या लग रहा है? क्या करो बच्चा? यहाँ हम कर रहे हैं समाज सेवा, बहुत जोरों शोरों से। वो देखो, शंकर के लड़की जा रही है गेहूं गिराते हुए, सुन नहीं रही है। ए! अबे तुम्हारा गेहूं खुल रहा है, उठा लो। देखो, नहीं सुना? खैर महेंद्र, कब आए दिल्ली? वापसी कब की है? अभी है ना? बढ़िया है। यहाँ क्या कर रहा है? मैं पढ़ा हूँ। हाँ? अरे वो अम्मा बोले ना चाबी ले भाई। हाँ। बात सुनिए बात। नहीं दे रहा पैसा। तुमको वसूलना है, वसूल के लाओ उससे। उसको बोलो छोटे भैया, पता चलेगा तो समझ लेना। नमस्कार छोटे भैया। नमस्ते नमस्ते। सुन, चाबी लाए हो? चलो जब फोन करते। हाँ जाओ, चलो शाम में बताएंगे हम उसको। हाँ ठीक है छोटे भैया। है घर? हाँ घर पे ही है। आप ही का इंतजार कर रहे थे? ठीक है, जाते हैं। बस काम था जरूरी। शाम में आइए, हम मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो।
खोलो रे। सुधा, खुशखबरी है, विधायक जी सिया की नौकरी लगाने में मदद कर रहे हैं। अब देखो 2-4 हफ्ते में लग जाएगी। सिया सुनेगी ना नौकरी की बात, बहुत ही खुश हो जाएगी। सिया है कहाँ? नजर नहीं आ रही 2-4 दिन से। तुम खुश नहीं हो का नौकरी की बात से? ब्याह की उम्र में तुम उसका नौकरी का बात चला रही है। अरे तो ब्याह भी हो जाएगा, तू सिया को मेरे पास भेज दे, मैं समझाऊंगी उसे अच्छे से। वो घर पर है? नहीं पिसवाया कम भी कहा है सब। राम से कहा है, पूछ रही हो? सिया से पूछो। सिया, सिया, ए सिया, बाहर आओ। तुम कहा की हो? तुम ये गेहूं कहाँ गिराई हो? बहुत दिमाग खराब हो गया आजकल। कोनो बात नहीं, तनी की तो गिरा है। तुम ठीक हो सिया? कहीं चोट तो नहीं है? बाहर निकलिए, छुए मत हमें। ये सिखा तुमको सिया? ठीक तो हो ना? बाहर निकलिए। सिया? महेंद्र बाबू, हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली? किस लिए? यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमको चाची के पास जाना है। यहाँ गांव में अच्छा नहीं लगता है हमको? अभी यहाँ थोड़े दिन लगेगा, चाची को कुछ बताना है तो बता दो, हम कह देंगे। और घर पे बताइयो तुम। हाँ, आप बस हमारा टिकट करा दीजिए, बाकी काम देख लेंगे। का देख लोगे? हाँ सिया, अभी बच्ची हो तुम और दिल्ली बहुत बड़ा है, चुपचाप घर चलो जाओ। और सुनो, गांव के लड़का लोग से दूर रहो, एक नंबर के आवारा हैं सब। आपको हम कैसे समझाएं? बस थोड़े पैसे दे दीजिए। सिया, का जिद पकड़ के बैठी हो तुम? हाँ, क्या करोगे दिल्ली जाके? नौकरी करने का मन है? बोलो तो हम कुछ करते हैं। देखो, दिल्ली में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, तुम यहाँ गांव में ज्यादा ठीक हो। रुको, हम चलते हैं घर तुम्हें। सर रुको,
हाँ छोटे भैया प्रणाम। अरे आप एक काम से निकले हैं? हाँ वही देख रहे हैं। वो देख सिया 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 लगा उसके पास लगा। सिया तो सुनाई नहीं दे रहा है, बैठो आगे गाड़ी में। भाग हमसे सिर तोड़ोगी तू? प्यार की भाषा तो समझ में आती है तुमको? इतने जब प्यार से बात करते हो तो काहे खामोश खामोश उस दिन यार चला तुम्हारे पीछे, लेकिन नहीं तुमको हमारी बात नहीं सुननी होती है। चल देखो तब उठन दिखाते नहीं कभी सुनने नहीं आया। एकदम चुप खड़ा कर तुम चुप इंतजार कर रहा है। एकदम चुप तुम चुप जगदीश भैया सिया को गायब हुए 10-12 घंटा हो रहा है ना, वो कोई सा भी बस पकड़ती तो अब तक दिल्ली पहुंच जाती। अब बात ही देखिए हमको तो लग रहा है कि हम लोगों को थाना जाना चाहिए। नहीं नहीं भैया थोड़ा रुकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है रात रुकते हैं फिर। नहीं नहीं यहाँ का चिंता मत करिए, हम हैं यहाँ पे। हाँ 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 ठीक। सूरज कहाँ है? अंदर लेटा है। अरे तुम्हारे साथ नहीं बैठा है। नमस्ते दरोगा जी। साहब हमारे घर की लड़की नहीं मिल रही है कल से। अरे शादी हो गया तुम्हारा? बड़ा यंग दिख रहे हो भाई। साहब सब हमारी लड़की कल से गायब है, सब आप कुछ कीजिए। तुम तो भगवा की चुंगी से हो ना सब। जी गायब जी बताइए। साहब इनकी लड़की सिया कल सवेरे से गायब है। किनकी लड़की? इनकी शंकर भैया की। अरे तो तुम चुप रहो। साहब ये हमारे देवर जगदीश के दोस्त हैं, हमारे परिवार जैसे ही हैं। साहब महेंद्र बाबू दिल्ली में वकालत करते हैं, वकील हैं। क्रिमिनल लॉयर हैं? लॉयर तो हैं दरोगा जी, थोड़ा नोटरी का काम करते हैं। फिर तो वकील ही नहीं हुए। चलिए ए चप्पल बांध दो। क्या हुआ? लड़की किसी की हुई है? शंकर भैया की। अरे तूने बैठे तू बैठो भैया बैठ बैठो। नहीं आप बैठे बैठो बैठो बैठो। देखिए जवान लड़की है, अपने यार दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी। नहीं साहब हमारी लड़की ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती है। टीवी है घर में? पिक्चर विक्चर देखती थी, भाग गई ना। आप FIR लिख देंगे पांडे जी? देखिए FIR तुम अभी लिख दें। आपको FIR लिखवानी है, लड़की का पता करना है। बदनामी होती है भाई। लड़की आपकी मिल जाएगी, सब नोट कर लिया हमने। अरे कर लिया है भाई। चलिए जाइए भैया तो लिखवा। निकलिए निकलिए, आपको अलग से बोले। जाइए
इधर आ बेचैनी है साहब। उस सिया का कुछ पता चला? दो दिन हो गए, FIR तो लिख लीजिए। FIR से नहीं मिलेगी लड़की भाई, खोजने से मिलेगी। खोजने ही जा रहे हैं, जाइए घर। चलो भाई जाइए। खोज रहे हैं ठीक है, लेकिन भाभी FIR लिखवाना बहुत जरूरी है। हाँ कि एक बार हाँ समझ नहीं आ रहा भैया, तो आप जो करेंगे सब ठीक करेंगे, हमको पता है। तो भाई ले उठो यार। अरे तुम कौन हो भाई? तुम हमें बिस्तर में कहाँ घुसे चले हैं? तुम दूर बैठो। ये देवगंज वाली खबर ये तुम ही छापे हो? पुलिस की बेपरवाही लड़की के माँ बाप पे पड़ सकती है भारी। हमारा नाम प्रसाद है, हम दुनिया न्यूज के लिए काम करते हैं। कल तुम्हारा ये पोस्ट देखे हम, इसकी अच्छी कहानी बन सकती। छपेगी इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर छप गई तो 500 रुपये बन जाएगा हमारा। भैया बुलाए थे? देवगंज की खबर पड़ी? नहीं भैया। देखो खोलो 8 नंबर पन्ना, पढ़ो। नीचे 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 देखो। हाँ तो इसमें इतना घबराने का बात थोड़े भैया, छोटी खबर है, वैसे भी ये अखबार कोई नहीं पढ़ता है। वो भी पेज नंबर 8। अच्छा, देवगंज में इतनी बड़ी घटना घट गई, अखबार में छप गई, और तुम्हें होश ही नहीं? इलेक्शन के समय ये सब चलेगा? हम दिन रात पार्टी का नाम सुधारने में लगे हैं, सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं, और तुम हमें ऐसा लगता है कि विधायक की कुर्सी से भी उतरवा दोगे। भैया आप बेफिक्र रहिए, हम देखते हैं। नहीं नहीं बस 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 भैया, हम सुलटाते हैं भैया, आप आराम करें। अब और बवाल हमें नहीं चाहिए। पांडे को फोन लगाओ। भैया ये सुरैया की थाना इंचार्ज, क्या नाम? जी शेखर। फोन लगाओ, कहो घर पे आए। नेताजी काम हो जाएगा पक्का। हम समझ गए नेताजी, करते हैं ऑपरेशन ठीक तरीके से। तो वहां पे चाय पीजिए। जी प्रणाम। हमें उस एरिया को ठीक ढंग से। हेलो। हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। शाम को नेताजी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए,
हम करते हैं ना सब तरीके से। चलते हैं नेताजी, शाम तक पकड़ते हैं लड़कों। शाम को जानते हो ना किसके इशारे पे हो रहा है सब? क्या बवाल मचा है भाई? लाओ बात करो छोटे भैया से हमारी। क्यों बे, अबे काहे गरमा रहे हो बे? क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो अंदर इसको। Thank you.
चौरसिया सैर करा रहे हो क्या? अब्बा जल्दी चल, समझ में नहीं आता साले, जल्दी चल, चल जल्दी साले, एक बार में समझ में नहीं आता, चल लेके आ जल्दी अंदर, चल भारती। जी सर। बाहर निकाल दो, अंदर लेके आओ। लाओ दो, लाओ। चल बेटा आ जा। जैसे आपने कहा था रिपोर्ट मैंने तैयार कर दी थी फौरन। सही कहा आपने, समय से कर दिया सर। एक मिनट, ये आप तो बहुत सारी फाइलें ले आई। सीता सिंह, हाँ ये है सीता सिंह, ये इसको रख दीजिएगा। अरे ये पेपर गिर गया भाई। देख लिए ना डॉक्टर साहब सही से? हाँ भाई, चेकअप चेकअप तो चल ही रहा है आपके सामने। आराम से, आराम से। अभी हालत कैसा है? ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल में। क्या जी सर, पैजामा पहनो, ये पकड़ो और गाड़ी निकालो। ठीक है सर, तो चलते हैं फिर हम। ठीक ठीक बिल्कुल। आप आ रहे हैं ना कोर्ट में? चलिए, हम आ रहे, पीछे से पहुंच रहे हैं आपके। हम इंतजार कर रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, पहुंचते।
बैठाइए उसे वहां, लगता है नहला दुला कर लाए। प्रोसीजर तो कभी फॉलो नहीं करते। ये लड़की मिली कब आपको? मैडम जी कल रात को करीब 9 बजे सुरैया में रेड मार रहे थे तो वहीं से बरामद हुई है। 9 बजे? यहाँ तो 6 बजे लिखा है। और इनका मेडिकल कब करवाया? मैडम जी आज सुबह। सुबह क्यों करवाया? जब ये लड़की कल मिल गई थी तो कल क्यों नहीं करवाया? मैडम जी वो सुरैया से आते आते बहुत टाइम लग गया था आने में, तो डॉक्टर साहब से संपर्क ही नहीं हो पाया। आपके सारे संपर्क अपनी मर्जी से होते हैं। और ये वहां पर सुरैया में कितने दिनों से थी? 7-8 दिन मैडम। 7 या 8? 6 दिन मैडम। और वो डॉक्टर कहाँ है जिन्होंने इनका मेडिकल किया है? बुलाइए, सीता सिंह को बुलाइए इधर। बैठाओ इन्हें यहाँ। सीता, सीता, कुछ खिलाया है इसे? जी मैडम जी। कोई पानी पिलाओ इसे जरा। खोलो जरा तब पिएगी। ठीक हो बेटा तुम? हो पाएगा तुमसे? दे पाओगी आज बयान? नौ फरवरी हम दिल्ली जाने के लिए बस स्टॉप जा रहे थे। सुनती कहाँ आई हो यार? हाँ बैठ जाओ गाड़ी में यार, तुम बात ही नहीं। तब वहाँ बच्चन सिंह दीपक तिवारी गाड़ी लेकर आए, हमको धक्का मारकर गिरा दिया और गाड़ी में घसीट कर अंदर बिठा दिया। हमको बहुत मारा और हमारे नीचे के कपड़े उतार दिए। फिर हमको याद नहीं हम कब बेहोश हो गए। जब होश आया हमने देखा हमको चैन से बांध के रखा हुआ था। भूखा रखते थे 3 दिन तक हमें कुछ खाने को नहीं दिया। वहां 3 लोग और थे, हम उन्हें ना जानते थे ना पहचानते थे। उन लोगों ने भी हमारे साथ गलत काम किया।
लोग शराब पीकर गलत काम करते थे और वीडियो दिखाते। छह सात दिन यही चलता रहा, दिन रात। जान से मार डालने की धमकी दिया करते थे, छोटे भाई सूरज को उठा लेने की धमकी दिया करते थे, गलत काम हमारे साथ करते रहे। हमें ऐसा लगता था हम नहीं बचेंगे।
हमको माँ से मिलना, हमको सूरज से मिलना, हमको घर जाना, हमको घर घर जाना, हमको अरे तुम लोग वो लड़के आए उनको देखो जाके। हाँ भैया जी। छोटे भैया, हाँ जैसा आप चाह रहे थे सब ऐसे ही चल रहा है, खबर कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं हम, ठीक है? ठीक। That ostrich is the biggest of bird. No, number. The ostrich Didi, yeah, वो देखिए गांव दो दिन के लिए गए थे, काफी टाइम लगा दिए। अरे बड़ी लंबी कहानी है राजन बाबू, आराम से बताएंगे। क्या हुआ? अरे चाचा आपके महेंद्र आ गए, दो दिन से परेशान थे चाचा आपके लिए। सलाम सलाम, लाइए बैठिए बैठिए। मेरा काम कर दीजिए ना। हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रैबिट होप्स, मंकी स्विम्स। बदमाश, लबर निकल। सूरज सूरज, सिया तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, खा लो बेटा। हमको दिल्ली जाना है राजी के पास।
कितना हुआ तुम्हारा? 40. अच्छा जी, ये लो. आ जाओ बेटा, हम ले लेंगे. चलिए ठीक है, ठीक बेटा, खुश. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. चाची, हम आ गए तुम्हारे पास. कहीं जाने नहीं दूंगी. अच्छा अच्छा, बाजार गई थी, देख तेरे लिए क्या लाई. ये देख, कितना अच्छा कलर है ना. अच्छा लग रहा है ना. चल खड़ी हो जा. तो क्या सोचा क्या करना है उसकी शादी के बारे में? करना क्या है, सारे गांव बात फैल गई है. चल इज्जत कैसे बचाएं ये बताओ. इज्जत तो बचाई ही जाएगी. इसे तो हर काम के लिए सिया ही मौजूद थी. आटा पिसा लाओ. बोले रहेगी. धीरे बोलो, अंदर तक आवाज आ रही है. बुद्धि का इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा. ये दो टमाटर भी दे दीजिए. सिया, तुम कौन सी क्लास में पढ़ाई छोड़ी? छठवीं. आगे पढ़ना है? आगे पढ़ सकते हैं. हाँ पढ़ सकते हैं, पर मोटी मोटी किताब पढ़ने से पहले दूसरी कक्षाओं में तो पढ़ना पड़ेगा ना. हाँ हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे? सब लोग ना शुरू में कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सब पढ़ने लग जाते हैं. अरे सीधा. सिया, प्राइवेट स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं, ठीक है? शंकर भैया से भी हम बात कर लेंगे, तुम्हारे चाचा से भी बात कर लेंगे, ठीक है? जहाँ ही जाती है तो भी पढ़ो. भाभी नमस्ते. नमस्ते भैया. अरे हम सभी लोग मेहनत किए तभी ना बेल हो रहा है तुम्हारा. वो तो सब बच्चे जान रहे हैं. मामला बड़ा गर्म है भाई. हाँ ये तो है. कुछ दिनों के लिए छेद तो छोड़ दिया. विजय तो भाई, इनको इनको पकड़ के रखो यार. ये तो बहुत बदतमीजी वाला काम कर दिए. अच्छा पांडे जी, थोड़ा सॉरी, थोड़ा गर्म खून है. चलिए जाइए आप लेके इनको. ठीक है. हेलो प्रसाद. अरे कहाँ हो भाई, सुबह से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा है. कोर्ट में क्या छूट गए? सब लोग छूट गए. अरे लेकिन ये पॉक्सो नहीं लगा था क्या? अरे 17 साल की उम्र है उसकी प्रसाद. अरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे बेल मिल सकता है भाई? नहीं नहीं, इन लोगों को हम ऐसे जाने तो नहीं देंगे. लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है प्रसाद. हमारे सामने थोड़ा समस्या ये है कि लड़की के बाबूजी और चाचा ये लोग केस आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं. अरे बात क्यों बढ़ाएंगे आगे यार. दो मिनट रुकिए. हाँ
जजमेंट का कॉपी मिला है तुमको? ठीक है, निकलवाओ जाने। हाँ ठीक है प्रसाद, हम फोन करते हैं तुमको थोड़ी देर में। हाँ ओके ओके। क्या काहे आगे बात बढ़ाएंगे यार, निपट जाएगा। जगदीश बोल रहे हो? जी दद्दू। नमस्कार नमस्कार दद्दू। देखो जगदीश, तुम हमारे परिवार जैसे हो। जी दद्दू। सुमन से तो हम पहले कह चुके थे तुम्हारी भतीजे की नौकरी के लिए। अब तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, कितना काम किया है तुमने हमारे लिए उन दिनों, भूल थोड़ी जाएंगे। जी जी। हमें पता चला जो कुछ तुम्हारी भतीजे के साथ हुआ, सिया ना? जी दद्दू, सिया ही नाम है उसका। बहुत अफसोस है हमें इस बात का, क्योंकि बच्चन है तो हमारे ही घर का। क्या कहें अब, देखो सिया हमारी बेटी जैसी ही है। जगदीश, अब इसका ब्याह कर दो, और ब्याह का जो खर्चा होगा वो सब हमारा। ये तो आपका उपकार होगा, पर शादी जैसे मामले, तुम्हारे पुराने पाप खोल दिए तो कहां जाओगे तुम? समझाओ सबको, और आपको भी कि छींचा लेदर ना करे अपने फायदे के लिए। अब एक काम करो, अपने फोन को स्पीकर से हटाओ और हमारी बात को ध्यान से सुनो। जी जी बताइए। नहीं, अपने हिसाब से ही देखेंगे उसको। नहीं, बस आशीर्वाद आपका बना रहे। जी कैसे हम उसी से शादी कर लें जिसने हमारा इतना बुरा हाल किया। कहीं नहीं जाएगी रुना तेरे साथ। देखो देखो, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी चाची। धर्मा
डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं सुनती हो? सुनो, अब जब वो लोग बात खत्म करने का बात कर रहे हैं तो बात खत्म करने में क्या बुराई है? महेंद्र को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सी कलाकारी कर देना चाहते हैं। खाली फसाद बढ़ाने में कोई अच्छी बात है बता? कल को बच्चन से शादी करा देंगे, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, वरना कहाँ करेंगे शादी उसकी, बताओ? क्या बात कर रहे हो तुम, कुछ सोच भी रहे हो? जो मुंह में आया बोल दिया। अरे उससे उसकी शादी होगी जिसने उसकी ये हालत की है, देखे हो? अब कल ही थोड़ी ना शादी करा देंगे उसकी। खाना दूं आपको? क्या बना रही बेटा, बन गया खाना? सबके साथ खाएंगे ठीक है? सिया, ऐसे कैसे हो सकता है? वो लोग कैसे छूट सकते हैं? आज के टाइम में कई बार ताकतवर लोग कुछ भी करके बच जाते हैं, लेकिन आदमी के पास दो रास्ता होता है, एक बर्दाश्त करे और चुप हो जाए, दूसरा न्याय के लिए हिम्मत से लड़े। हम लड़ना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। इतना आसान नहीं है सिया, कहे से की लड़ाई लंबी चलेगी और तुम्हारे बाबूजी और चाचा वो लोग लड़ना नहीं चाहते, कहीं तुम बीच में पीछे तो नहीं हट जाओगी ना? हम लड़ेंगे। ये लो कागज पकड़ो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है सब हमको लिख के दो विस्तार से। ठीक है। देखो बेटा, ये जो तुम सब करने जा रही हो मेरे हिसाब से सही नहीं है। वो लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके मुकाबले ना तो हमारे पास ताकत है ना रुपया, और तुम्हें पता है कि कोर्ट कचहरी में यही सब लगता है, तो देखना बेटा कहीं सब बर्बाद ना हो जाए। ये सब क्या? आपने तो कहा था हमने सब लिख दिया।
रोज नहीं सुबह तुम मुझे ये बताने के लिए आई थी? हाँ तो बोलना चाहिए था ना सिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें न्याय चाहिए। हम घर जा रहे हैं। ठीक है भैया, हम लोग होके आते हैं। अच्छा तो ये सारा प्रति तैयार किए हैं जी, तो उच्च न्यायाधीश जी, राज्यपाल जी, और मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जी, ठीक सबको रजिस्ट्री कर देना आपको, और रसीद अपने पास रखेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये आगे काम देगा। वकील आया क्या? सिया उठो उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा प्यार से बात समझ में नहीं आ रही है, बहुत कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हो। बोला था ना घर की बात है, मिल बैठ के सुलटा लेंगे, लेकिन ये सब तुम कर रहे हो। बहुत लड़ने का मन है गर्मी उतारता हूँ मैं इसको, बहुत गर्मी हो गया इसको। उधर से जाके देखो, अल्लाह जो कह रहा है बुद्धि उसको बता देना, उस महेंद्र को उसका भी यही हाल करे, भूल जाते हैं लोग। समझा दिए इनको? समझा दिया, निपटाइए इसको आप। अरे आम साथ लगा, इस पे गिरफ्तार करना पड़ेगा। अरे वारंट है हमारे पास, बैठा इसको, बैठा इसको। अभी अभी देवगंज रेप केस में एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पीड़ित लड़की के पिता का है, जिन्हें बुरी तरह से जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। हम आपको सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। अरुणोदय, प्रताप सिंह, छोटे भैया अनिल प्रताप सिंह, वाह तुम्हारे पेड़ से बांध के मारे, जेल में भी सब मिलके बहुत मारे पुलिस वाले। भैया हमें तो बहुत चिंता हो रही है, कुछ हो तो नहीं गया ना इन्हें? सब ठीक होगा भाभी, आप घबराइए मत, टीवी पे वीडियो भी दिखाएं, हम लोग शंकर भैया को
साथ ही लेके जाएंगे। अस्पताल का रास्ता है क्या? पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। पांडे जी लेके जा रहे, कहाँ ला रहे हैं आप लोग? आ तो जाइए, बस बता देंगे भाई, देख लो खुद ही आके। लेकिन कहाँ ले, कहाँ जा रहे हैं? ये संस्कार नहीं करेंगे। लड़की के पिता की बॉडी को यहाँ अवैध रूप से जलाया जा रहा है और परिवार से इच्छा तक नहीं गया, ये सब तो जबरदस्ती हो रहा है, ये अन्याय है। लड़की के परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है, ये एकदम गलत है। प्रशासन का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। पूरा परिवार हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा था, वहाँ पुलिस आकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमको समझ में नहीं आता है, हीरोगिरी दिखा रहे हो क्या? रहा है वो क्या रहा है, हर जगह हीरोगिरी में लगा रहता है ये आदमी। जलाया जा रहा है जबरदस्ती, परिवार से पूछा तक नहीं गया है, ये गलत हो रहा है। देखिए पूरे परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी नमस्कार, पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम नेहा दिवाकर है और मैं एबीआई न्यूज से हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि लड़की के पिता का उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ जबरन दाह संस्कार किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये खबर हमें नहीं पता, आधिकारिक रूप से हमारे पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, हम पता करके आपको बताएं। सर मेरा सवाल है कि लड़की के मृत पिता का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि आपके छोटे भाई अनिल प्रताप सिंह ने उनको मारा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अफवाह है, उनको आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर सुना है देवगंज रेप कांड में सरकार ने परसों एसआईटी बिठाने की घोषणा की है। बहुत जरूरी है ये, लड़की को न्याय मिलना ही चाहिए, लड़की के घर वालों को न्याय मिले और इस पूरे देवगंज को न्याय मिले। सर अभी अभी खबर आई है पूरे मामले की जांच राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। देवगंज रेप केस में हाईकोर्ट के दबाव की वजह से राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। आपको जानकारी दे दें कि एसआईटी ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसका सार्वजनिक होना अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है इसमें विधायक अरुणोदय सिंह और उनके भाई का भी नाम शामिल है। अपना पूरा नाम बताओ। सीता, सीता सिंह। पिता का नाम? स्वर्गीय शंकर सिंह। पता? ग्राम रिचौरा, भंगवा की चुंगी। उम्र? 17 साल। थोड़ा ऊंचा बोलोगे तुम?
17 साल। जब आखिरी बार तुम अपने घर से निकली थी तो तुम सीधे महेंद्र के घर गई थी, क्यों? अरुणोदय प्रताप सिंह पहली बार कब मिली थी उनसे? अच्छा ये बताओ कि रात को 8:30 बजे तुम विधायक जी के यहां नौकरी के लिए जाती हो। रात को 8:30 बजे? ये जो तुम्हारा मैजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान है ना, इसमें तुमने बच्चन और तिवारी का नाम लिया है। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें तुमने अरुणोदय प्रताप सिंह का नाम लिया है। और ये तीसरी, ये एसआईटी की रिपोर्ट में तुमने कुछ और कहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या सच है और क्या झूठ है। सिया? तो रो कहाँ गई हो? हम बात कर। हम हैं ना सब, घबराओ मत, तो रो मत। मैडम हो गया क्या, हम लोग जा सकते हैं? अभी नहीं, दोबारा स्टेज में लेते हैं। हम यहीं हैं। तुम घबराओ मत। ठीक है, हम चलते हैं। तुम चलो। ये लोग कौन हैं? ये लोग सब, ये पांडे SHO और वो 400 लोग जो सस्पेंड हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। बाद में देखते हैं, बाद में। रिलैक्स, डरो मत, फिर से शुरू करें। दिना 4 फरवरी को रात को करीब 9 बजे विधायक अरुणोदय प्रताप सिंह ने हमको नौकरी के बहाने घर पर बुलाया था। इधर काहे करती, कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा? आओ, इतनी रात में गायब होना है? आओ तो। विधायक जी व्यस्त रहते हैं सुबह में, इसीलिए रात को बुलाए होंगे। लेकिन मौसी, यहाँ पीछे इतने अंधेरे में किधर है विधायक जी? चलो मौसी। हाँ नेताजी, हमको पहचान तो लेंगे ना? अरे जरूर पहचान लेंगे, काहे नहीं पहचानेंगे तुम्हें। हाँ और नौकरी, नौकरी भी जरूर मिलेगी, चिंता ना करो। माँ कुछ बोलेंगी तो नहीं? माँ को बता के आई होगा। चलो 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 नेताजी, चलो बैठ जाओ। मौसी। हाँ अरे आते हैं हम, अभी आए, बस एक फोन करके आए। तुम चलो, अरे तुम चलो मौसी, फोन करके। आओ अंदर। कहीं चोट तो नहीं आई? बाहर निकल गया, छुए मत हमें। विधायक जी की वजह से तू बच गई, उनका नाम नहीं आना चाहिए। हम यकीन दिलाते हैं कि तुझे कुछ नहीं होने देंगे। और फिर तेरा एक परिवार है, एक छोटा भाई है, इन सब के बारे में भी तो सोचना है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बयान देना। आई थिंक सीन रिक्रिएट करना पड़ेगा। तुम भी कमाल करते हो महेंद्र। अरे तुम वकील हो, कम से कम FIR तो ठीक से करवा सकते थे।
सर, यहाँ पुलिस स्टेशन में घुसने के पहले हमारा जूता चप्पल उतरवा लिया जाता था। FIR की बहुत कोशिश की, कभी लिखे नहीं दरोगा जी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन छड़े, कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो, दुख काहे को होए। आए है तो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए है तो जाएंगे राजा सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। अम्मा ये बात बताओ, सिया को ये हाल में छोड़ के हम कैसे जाएं? हाँ, गोद में खिलाया ना उसको, और अब तो शंकर भैया भी नहीं है, और हमको याद है बाबूजी के साथ क्या हुआ था, उनके लिए भी कोई खड़ा नहीं हुआ था अम्मा। और तुम ही बताओ, आज अगर बाबूजी होते तो क्या करते, छोड़ के चले जाते? देखो अम्मा, तुम अगर यहां रहोगी ना तो अरुणोदय सिंह छोटे भैया हमको कमजोर कर देंगे, और मामा के घर ही तो जा रही हो ना, यहां जैसे ही सब ठीक होगा हम तुमको ले आएंगे। तुम बस अपना ध्यान रखना यहां। काम करना है कि नहीं करना है? ए, नुकसान
नुकसान करेगा ये लोग। हम दद्दा कह रहे हैं इनको हटा देते, नया लड़का रख लेते कोई वहां पर। चलो क्या हुआ सर? अरेस्ट वारंट है। अरे किस बात का अरेस्ट वारंट सिन्हा? अरे हम बेल पे छूट के आए हैं। अरे इनके करम, अरे हेलो, हम अरुणोदय प्रताप सिंह बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रही बात तुमको? तुम तो आओ तो फिर तुमके बीच में क्यों पड़ते हो? देखा नहीं शंकर सिंह का क्या अंजाम हुआ? तुम्हारे बाप के साथ जो हुआ तुम्हें याद नहीं है? कहो तो याद दिलाएं वापस। जगदीश सिंह तुम ही हो। चलो रायबरेली थाने चलना होगा। तुम्हारे हत्या और फिरौती के केस फिर से ओपन। सब तो बंद हो गया था ना? कुछ नहीं किया। अरे हम कुछ नहीं किया, ये सब दद्दू ने किया है। अरे चला दद्दू ने किया है ये सब। आपको बता रहा हूं, महेंद्र को फोन करो। महेंद्र को फोन करो। अभी भी समय है, समझ जाओ, वरना जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ और तुम, कोई नहीं बचेगा, समझे? हमारा आपसे जो संबंध है उसे ये सीबीआई वाले कहां समझ पाएंगे? हम जानते हैं यदि 20 साल हमने आप लोगों के लिए पसीना बहाया है तो समय आने पर अगर आपको हमारे लिए खून भी बहाना पड़े तो आप हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन फिलहाल देवगंज की कुंडली में दोष आ गया है तो कृपया आप शांति बनाए रखें और कानून को अपना काम करने दें, क्योंकि हम और आप दोनों ही न्याय चाहते हैं और न्याय जरूर होगा, इसी देवगंज की धरती पर होगा और आप सभी के सामने होगा। लेकिन फिलहाल धैर्यता बनाए रखें, इस वक्त हमें कानून का साथ देना है। धन्यवाद। बयान है हमारा, लगा लीजिए फाइल में। आप घर नहीं आए? आइए कभी। धोखा हो गया विधायक जी हमारे साथ। इन्होंने 14 दिनों की रिमांड मांग ली है। किसकी? आपकी सर। वकील साहब अब आपने कहिए, विधायक जी आप कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहेंगे? जी
शमसिया हरमोदर सिंह को सजा दिलवाने के लिए जरूरी है। अचिंता कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं ना, हम रहेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? शेफाली सर, वी आर रेडी फॉर द रिक्रिएशन। सीता यहां से कैसे गई, एक बार डिटेल में बताना। यहां से नहीं, हम पीछे के रास्ते से गए थे ताकि मम्मी को पता ना चले। गाड़ी खराब हो गई है, इसमें किड्डो और ले आइएगा। चलो सर, चलना है। हाँ। अच्छा अम्मा आते हैं, अच्छी बात है, सब ठीक होगा। सात घंटा लगेगा। अच्छे से रहना। दीदी जल्दी हम है ना, ये लोग घूमने करने जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे, ठीक है? चिंता मत करो, दादी तो है तुम्हारे पास। बहुत लेट हो गया, रात होने से पहले गांव पहुंचना होगा। आइए। जी पिंटू भैया बोलिए। नहीं, गाड़ी परसों पहुंचा देंगे, कल निकल रहे हैं गांव से।
को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लगता है इनको भी मार देंगे। हिम्मत रखिए भाभी, कुछ नहीं होगा, न्याय मिलेगा हम लोगों को। ऐसे न्याय पाने से क्या मतलब है, जब न्याय पाने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। रेप केस का आज 11वां दिन है और अभी भी पीड़ित लड़की कोमा में है। सीबीआई की जांच जारी है। अपने माता पिता और अपने सबसे बड़ा सहारा वकील महेंद्र भल्ला की मौत का सदमा झेल रही इस पीड़ित लड़की का दर्द पूरा देश देख रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की की हालत अभी भी बहुत नाजुक है, शायद उसका बचपाना भी मुश्किल लग रहा उड़ने चली आसमान।